हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि विंडो किचन्स आर वेरी गुड स्पेसेस टू ग्रो प्लांट्स, स्पेशली कटिंग्स, क्योंकि ये वो स्पेस है जहाँ पे ऑप्टिमम धूप, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, पानी का एक्सेस होता है. तो आई यूज़ दिस स्पेस फॉर ग्रोइंग अ लॉट ऑफ कटिंग्स फॉर माई प्लांट्स. तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं करेंटली अपनी विंडो किचन में क्या क्या कटिंग्स ग्रो कर रही हूँ. वन बाई वन आई एम गोना शो यू. So the first one is this one. This is curtain creeper, and मैंने एक प्लांट की ब्रांच ली थी और वहाँ उस ब्रांच को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था. विद एवरी पीस ऑफ द साइज ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ साइज ऑफ अ पेंसिल. और मैंने अराउंड हफ्ते 10 दिन में इसमें ग्रोथ हो गई थी. और अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, अभी तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 1 मंथ, एंड यू कैन सी कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है. देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसमें आ गई हैं. और ये प्लांट अभी बिल्कुल रेडी है मिट्टी में लगाने के लिए. अब देखिए डिफरेंट ये ब्रांचेस जो मैंने ली थी डिफरेंट, उसमें सब में ऑलमोस्ट रूट्स आ गई हैं. और अब मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी किसी दिन. और ये प्लांट ग्रो करके बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब ये ट्रेल करके नीचे की तरफ गिरता है ना. सो इट लुक्स, आप देखिए पानी में भी अच्छा ग्रो कर रहा है. ये जो लाइट कलर के लीव्स हैं ये सारी न्यू लीव्स हैं, और ये डार्क वाली पुरानी है जो पहले से इसमें थी. तो ये न्यू लीव्स इसमें ऑलरेडी आने लग गई हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दिस स्पाइडर प्लांट. स्पाइडर प्लांट को पानी में ग्रो करना, कटिंग्स ग्रो करना इज़ वेरी ईजी. स्पाइडर प्लांट जो होता है, मदर प्लांट्स में छोटे छोटे पप्स आते रहते हैं, और उन पप्स को लेके इफ़ यू पुट दिस इन वाटर तो इसमें ऐसे छोटे रूट्स आ जाते हैं कुछ दिन में, और फिर उसको आप वापस मिट्टी में लगा सकते हैं. तो ये पूरा प्लांट बन जाता है, और ये बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है. आप इसको इनडोर यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन पर्पज से, और ये ग्रीनरी ऐड करता है. एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट, इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लांट. So these are the two cuttings. Then next which I'm growing is croton. So croton is another beautiful plant जो बहुत ही सुंदर दिखता है. ये golden dust variety है croton की. croton की बहुत सारी varieties आती हैं. ये ऐसे पतली leaves, जो लंबी सी पतली leaves होती हैं with these yellow golden dots, this look very beautiful. तो ये मैंने एक छोटी सी branch ली थी एक mother plant से, और उसको मैंने पानी में डाल दिया था, और अराउंड हफ्ते 10 दिन में इसमें रूट्स आ जाती हैं. तो यू कैन सी कि इसमें कितनी डेंस अभी रूट्स आ गई हैं. और ये प्लांट भी रेडी है, इसको अभी मैं मिट्टी में लगा सकती हूँ. और इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसको सिंगल लीफ के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं. अब देखिए एक ये एक सिंगल लीफ है जिसको मैंने सेम ऐसे लेके पानी में डाला था, एंड इफ़ यू सी देखिए ये सिंगल, अभी दिखता होगा, यस ये एक सिंगल लीफ में भी ऐसे रूट आया हुआ है. सो द ब्यूटी इज कि क्रॉटन को आप एक सिंगल लीफ से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, और इसको भी अगर मिट्टी में लगाएं तो दिस सिंगल लीफ विल बिकम एन इंडिविजुअल प्लांट. द ब्यूटी ऑफ नेचर. सो दिस इज हाउ इट इज. सो दीज आर द थ्री कटिंग्स. एंड द नेक्स्ट वन विच आई एम ग्रोइंग ऑन माई विंडो इज दिस रबर प्लांट. सो ये रबर प्लांट का एक छोटा सा कटिंग मैंने लिया. ये भी अभी रिसेंटली डाला है, इसमें अभी कोई ग्रोथ नहीं हुई होगी आई एम श्योर. सो इसको थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, बट इट विल टेक सम टाइम. ऐसे डॉट्स जैसे दिख रहे हैं वहाँ से रूट्स आ जाएंगी, बट अभी नहीं आया हुआ है प्रॉपर इसमें. बट आई होप कि दिस विल ऑल्सो ग्रो. सो दिस इज़ अनदर वन. नेक्स्ट विच आई एम ग्रोइंग इज़ मनी प्लांट. सो दिस इज़ मनी प्लांट कटिंग जो मैंने पानी में डाल दिया है. इस मनी प्लांट पानी में बहुत इजीली ग्रो कर जाता है इसका कटिंग्स. सो दीज आर अ फ्यू प्लांट्स विच आई एम ग्रोइंग. दिस इज़ माई मार्बल पोथो, आई लव इट. बट ये मैंने ग्रो नहीं किया कटिंग से. ये देख सकते हैं दिस इज़ अ मनी प्लांट जो मैंने पहले पानी में कटिंग ग्रो करके उसके बाद मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया था. लुक्स ब्यूटिफुल. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स मैंने ग्रो की थी, उसके बाद मैंने इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दिया था, जो कि अब पूरे प्लांट बन चुके हैं. उनको मैंने इधर उधर अपने घर में रख लिया है. सो इसी तरीके से आप भी अपनी किचन की विंडो को यूज़ कर सकते हैं, और उसको यूज़ करते हुए यू कैन ग्रो अ लॉट ऑफ कटिंग्स. तो दिस इज़ रियली अ नाइस स्पेस, और पानी की एक्सेस होती है तो
इजीली इसमें आप कटिंग्स में पानी चेंज करना है फ्रीक्वेंटली, वो कभी मिस नहीं करेंगे क्योंकि यू हैव एक्सेस ऑफ वाटर नियर बाय, तो कभी भूलता नहीं है। मैं इसमें कटिंग्स में पानी चेंज करना इस स्पेस पे इजी रहता है, सो कटिंग्स अच्छा ग्रो करती है। सो दिस वाज द अपडेट, और मैं जल्दी इन सारी कटिंग्स को मिट्टी में लगाऊंगी, फिर आपको अपडेट बताऊंगी कि हाउ दे आर डूइंग। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग प्लांट्स, मेंटेन ग्रीनरी, टेक केयर ऑफ द क्लाइमेट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।